ज़्यादातर हल है ना वो लोग यही करते हैं। और ये सुजुकी का एक अक्सर ये एक फॉल्ट समझ लें, ये अक्सर गाड़ियों में होता है, सुजुकी महराम में भी हो जाता है, मर्गला में होता था, ये कल्टस का भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सुजुकी कल्टस गाड़ी है और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी का गियर आवाज़ क्यों करता है। मिसाल के तौर पर जब आप जा रहे होते हैं तो जब आप रेस देते हैं तो गियर की आवाज़ आती है, रूं रूं की आवाज़ आती है, और जब आप रेस से पैंडल उठ रेस वाला पैंडल जो है वो उससे पांव उठा लेते हैं तो फिर वो खामोश हो जाती है। अक्सर ये आवाज़ चौथे और पाँचवें गियर में ज़्यादा करती है। दोस्तों आज मैं आपको इसका हल बताऊंगा, तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप दोस्तों की रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, उनके तामन का शुक्रिया। तो दोस्तों जो इस गाड़ी का गियर आवाज़ देता है, पहले मैं आपको उसकी वजूहत बता देता हूँ। इसका गियर फ्रेंड्स इसलिए आवाज़ कर जाता है, इसके गियर के अंदर होते हैं बैरिंग्स, बाज़ू का वो बैरिंग्स ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से ये गियर आवाज़ देता है, या फिर बैरिंग ख़राब ना हो तो बाज़ूकात ये लो क्वालिटी का जो लोग गियर ऑयल डलवाते हैं उसकी वजह से भी इसका जो है ना आवाज़ शुरू कर देता है, गियर आवाज़ शुरू कर देता है, या फिर अगर जो गियर ऑयल है उसको काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, वो बहुत पुराना हो चुका है, फिर भी ये जो है ना आपका गियर आवाज़ देगा। तो या तो फिर मेन रीज़न जो इसके अंदर बैरिंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाएँ फिर आवाज़ देता है, या फिर ये इसकी गियर ऑयल की लो क्वालिटी की वजह से भी आवाज़ कर जाता है, या बाज़ूकात ये बहुत ज़्यादा चल चुका हो गियर ऑयल फिर भी आवाज़ करता है। तो इसका मैं आपको हल बताता हूँ। इसका हल ये है कि ज़्यादातर जो लोग इसका हल करते हैं वो इसका जो गियर बॉक्स है वो पूरा रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको गियर बॉक्स इसके अंदर है तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, वो यानी कि काबली डाल देते हैं दूसरा। उसकी कीमत मेरे ख्याल से है, ये गियर देते हैं मतलब ये साथ वाला देते हैं और तकरीबन 15-15 हज़ार ऊपर देना पड़ता है, ये गियर भी आप साथ दें और 15 हज़ार भी ऊपर दें तो ऐसा होता है, या तो गियर को ही रिप्लेस कर देते हैं या फिर ऐसा नहीं करते तो फिर जो है ना इसको बनवाते हैं, इसको पूरा इंजन खुलता है फिर गियर बॉक्स को अलहदा ले जाना पड़ता है, वहाँ इसके जो बैरिंग्स हैं वो चेक होते हैं, बैरिंग्स जो है ना वो चेंज होते हैं, 3,000 का बैरिंग आता है, 4,000 का बैरिंग आता है, तो इसकी खैर मुख्तलिफ किस्में होंगी। तो इसका जो ज़्यादातर हल है ना वो लोग यही करते हैं, और ये सुजुकी का एक अक्सर ये एक फॉल्ट समझ लें, ये अक्सर गाड़ियों में होता है, सुजुकी महराम में भी हो जाता है, मर्गला में होता था, ये कल्टस का भी ये इशू है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात वाजे समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके तामन का शुक्रिया।